वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। देखें जी, अब आपके चार होस्ट हो गए हैं। ये फ्लफ है। फ्लफ, क्या हाल है उधर देखो? Exactly. और ये पेपर है जी, पेपर। और आज से हम राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, और वो है पेट्स, यानी पालतू जानवरों की का ख्याल, उनका ध्यान। और जी फ्लफ जी, बिल्कुल मैं उधर देख रहा हूँ कैमरे में, आप भी देखें। और साथ ही साथ जो लाइफ स्टॉक के हमारे जानवर होते हैं, यानी गाय, भैंसे, बकरियाँ, मुर्गियाँ, उनकी अफजाइश कैसे हो सकती है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हम तकरीबन हर हफ्ते डॉक्टर माहीन को मधु किया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर माहीन। वालेकुम सलाम, आई एम सो हैप्पी टू सी कैट्स अलोंग विद यू गाइस। और कैट्स जो कि जानवरों की डॉक्टर हैं, यानी कि वेटनरी डॉक्टर हैं, और स्पेशलाइज इन मतलब करती हैं कि जी जानवरों को, बेजुबान को कैसे हम रख सकते हैं। तो जरा एक ओवरव्यू दें सेगमेंट में क्या हुआ करेगा। सो सेगमेंट में हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं पेट्स एनिमल से, जिसमें बिल्ली होगी, डॉग होगा, कैट्स होंगी, पैरट्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के बर्ड्स हो सकते हैं। उसके अलावा लाइफ स्टॉक में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गियाँ, ये तमाम जानवर जो बेसिकली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं किसी ना किसी मोड़ पे, उन सब का ख्याल कैसे रखना है, उनको बीमारियों से कैसे बचाना है, तो एक कम्प्लीट केयर सेगमेंट हुआ करेगा। वेरी गुड। और हर सेगमेंट में आप किसी एक जानवर या किसी एक बीमारी या उस हवाले से, तो मेरे ख्याल है हमारे गांव देहात में जो हमारी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है वो इस सेगमेंट से बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे कि आपको पता लगेगा कि आपने मतलब मुर्गियों की क्या बीमारियां, भैंस का अगर बीमारी हो जाए तो उसका क्या इलाज है। तो आज हमारा सेगमेंट बिल्लियों पे है जी। आज हमारा सेगमेंट बिल्लियों पे, बिल्कुल। तो बताएं क्या होने जा रहा है। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक बेसिक लाइन कि अगर आपके पास कैट है तो आप उसको कैसे कैसे जो है वो रेयर कर सकते हैं। तो आई विल से कि जब भी आपके पास बिल्ली आए, आप पहली दफ़ा रख रहे हैं या पहली भी रख चुके हैं, तो सबसे पहले बिल्ली को एक डॉक्टर के पास लेकर जाएं, अपने वेटनेरियन के पास लेकर जाएं, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं, जिसे हम कहते हैं कि हेड टू टेल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, वो उसके दांत देखे, उसका नाक देखेगा, आंखें देखेगा, कान देखेगा, कोट चेक होता है, फर चेक होता है, किसी किस्म के कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो आपको उसी टाइम पे पता चल जाता है। अच्छा, पहली स्लाइड भी अगर आवेजा कर दें। ओह ऑसम कैट्स, ये तो मुझे लग रहा है एक फ्लफ है और एक पेपर है। तो आप जो बता रही थी वही इस स्लाइड पे है कि कंप्लीट एग्जामिनेशन होना चाहिए। अच्छा, और ये कितने कितने टाइम के बाद जो है वो डॉक्टर का विजिट होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए? आई विल से हमेशा हर दो महीने के बाद, दो महीने के बाद कम से कम, कम से कम दो महीने के बाद। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये वेट्स जो है अब इस वक्त हर छोटे बड़े शहर में मौजूद हैं, अवेलेबिलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल, हर बड़े शहर में तो बिल्कुल मौजूद हैं, और हर कोई छोटा शहर जो बड़े शहर से मुंसलिक है वहाँ पे भी अब वेट्स जो है वो अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं जी। अगली स्लाइड क्या कहती है? ये फ्लफ है। खाने को क्या दिया जाए, खाने को क्या दिया जाए बिल्ली को, क्योंकि बहुत ज्यादा मसले हमने देखे हैं तोसी के, लोग जब फॉल्स फीडिंग करते हैं या माल प्रैक्टिसेस होती हैं खाने के अंदर, तो सबसे ज्यादा इश्यूज उसी से क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो आप नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, वी हैव मेजर टू ऑप्शंस, आप घर में बनाया हुआ खाना भी दे सकते हैं और आप कमर्शियल फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगली स्लाइड पे जाइएगा, कंट्रोल रूम। थैंक यू। अच्छा जी, होम कुक्ड फूड भी है और कमर्शियल फूड भी है, क्या फर्क है और क्यों है? देखिए, होम कुक्ड फूड ये होता है कि आप खुद प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर आप कोई हड्डी नहीं दे सकते, दूध नहीं दे सकते बिल्लियों को। अच्छा ये क्योंकि ये बात है वाकई में कि अगर आप दूध देते हैं तो उससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। ये मतलब हमने तो हमेशा बिल्ली का दूध के साथ एक खास रिश्ता है। बिल्ली तो दूध पीती है, दूध नहीं पिलाना, दूध नहीं पिलाना, नहीं पिलाना। दूध के अंदर एक खास शुगर होती है जिसे हम कहते हैं लैक्टुलोज। ठीक है, बहुत सारी कैट्स लैक्टुलोज इनटॉलरेंट होती है। ठीक है, जब आप उनको वो दूध देते भी हैं तो वो लैक्टुलोज को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से डायरियाज होना स्टार्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं दूध देने से। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर आपने दूध देना भी है तो थोड़ा सा आप दूध दें, उसके अंदर पानी को मिक्स करके, इन केस अगर आपको जरूरत पड़ रही है कैट को वाटर इनटेक करवाना है, फ्लेवर करना है, तो उसमें कहा जाता है कि आप डाइल्यूट कर दें, पानी एड ऑन कर दें और फिर आप उसको दे सकते हैं। अच्छा जी, वो बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े तो वो छिछड़ों से तो मना नहीं, सॉरी गलत प्रोवर्ब है, नहीं दे सकते आप छिछड़े। अच्छा, नहीं दे सकते। हाँ, ये भी इंटेस्टाइनल इश्यूज करती है। देखिए, फैट बहुत ज्यादा होता है, डाइजेशन बिल्लियों के हक में सेगमेंट करने आई है या ये तो आप छिछड़ों पे भी पाबंदी, जो चीजें बिल्लियों को पसंद है उन सब पे पाबंदी डॉक्टर माहिर? मैं हड्डी पे भी पाबंदी लगाने वाली हूँ, हड्डी भी नहीं खा सकती। नहीं, लोग गर्दने देते हैं, क्या दें इनको, पास्ता दें, पिज्जा दें? नो पास्ता, नो पिज्जा। आप इनके लिए कीमा बॉइल करें, उसके अंदर आप राइस ऐड कर सकते हैं, सब्जियां ऐड कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता कि बिल्लियां सब्जियां भी खाती हैं। रियली? यस, जुकीनी है, कद्दू है, लौकी है, टिंडा, तोरी, शलजम, गाजर, आलू, ये सारी वो वेजिटेबल्स हैं जो आप
चिकन और राइस के साथ बॉईल करके बिल्ली को ऑफर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गलत आप सेगमेंट में आ गई हैं, तोतों पे नहीं है, ये बिल्लियों पे सेगमेंट है। बिल्कुल, ये चीजें सारी आप तोतों वाली बता रही हैं। एग्जैक्टली, नहीं ये सब बिल्लियों की बातें हैं। अच्छा, रियली? तो उसको उसको घर में पका के, और कोई मसाले ना हो, नमक कोई मसाला नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मिर्ची नहीं हो, ऐसा कुछ भी। अच्छा, जो बाहर का खाना होता है जिसको हम कैट फूड कहते हैं, वैसे तो उससे कहा जाता है वो लोग अवॉइड करते हैं देना, उनको ये होता है कि नहीं इससे बाल गिरते हैं बहुत ज्यादा बिल्लियों के, तो ये इसमें किस हद तक ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, मेरा ख्याल है जमीन के जब आप एक प्रिपेयर्ड फूड देते हैं तो जाहिर है उसके अंदर सारे माइक्रो एलिमेंट्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जो आप खुद नहीं रख सकते। एग्जैक्टली, जैसे अब बीइंग अ ह्यूमन हम सप्लीमेंट साथ में ले रहे होते हैं, दो हम अपनी सारी डाइट को भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आई विल से कि अगर आप दिन में एक दफा घर का खाना देना चाहते हैं तो एक दफा कमर्शियल फूड जरूर ऐड करें, स्पेशली जैसे अब हमारे पास फ्लफ बैठी हुई है, तो फ्लफ का कोट बड़ा है, बैठा हुआ है तो उसमें उसका कोट मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि माइक्रो एलिमेंट्स जाएं, जिसके अंदर जिंक होना जरूरी है, सिलीनियम का होना जरूरी है, तो वो आप प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली, हाई ग्रेड कमर्शियल फूड। चलते हैं जी, साथ साथ देखते हैं कि क्या सीन है। नेक्स्ट स्लाइड, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, अपनी हिफाजत भी करने के लिए और कैट की हिफाजत करने के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे कि रेबीज की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि वो एक बीमारी ऐसी है बिल्लियों में जो बिल्लियों से इंसानों में भी शिफ्ट हो सकती है, तो उसके लिए जरूर वैक्सीनेट कराएं। तो क्या साल में एक दफा होती है, क्या होता है? इनिशियली जो है वो दो शॉट्स लगते हैं, ठीक है, दोनों वैक्सीनेशन के, और 2 मंथ पे स्टार्ट होती है PCH और 3 मंथ पे स्टार्ट होती है रेबीज। आज की जो ये हमारा सेगमेंट है, ये खासतौर पर उन फैमिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने बिल्लियां रखी हुई है और बस रैंडमली बिल्ली को रख लिया है, तो आप इस चीज को जहन में रखिए कि डॉक्टर माहीन जो बातें बता रही हैं, इसमें आपकी सेहत भी, अगर आपके घर में बिल्ली है, आपकी सेहत भी और बिल्ली की सेहत दोनों के लिए जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट कि बिल्ली की केयर, आपकी अपनी हिफाजत भी जरूरी है। अच्छा जी, अगली स्लाइड क्या है जी? पैरासाइट कंट्रोल बहुत ज्यादा इशू है हमारे रीजन का, वर्म्स हो जाते हैं, इनफैक्ट वर्म्स इंसानों में भी शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम देयर पेट कैट्स। अच्छा, हमारे होम पेट्स होते हैं, पेट्स पे आ रहे हैं, मतलब उसमें पिस्सू कहते हैं, नहीं वो फ्लीज होती है, जो पिस्सू होती है, ये होते हैं जो पेट के कीड़े होते हैं। ओके, टेप वर्म्स हो जाना, राउंड वर्म्स हो जाना, पिन वर्म्स हो जाना बहुत कॉमन है, तो डीवर्मिंग करवाएं हर 2 महीने पे, चाहे आपका कैट कम्प्लीटली इनडोर है और चाहे आउटडोर भी है, डीवर्मिंग इज मैंडेटरी। फिर इसके अंदर अगर आप स्लाइड दिखाएंगे तो फ्लीज के लिए जो पिस्सू होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, ठीक है, उसके अलावा ईयर माइट्स भी चेक होते हैं, तो इनकी ग्रूमिंग, कैट हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ग्रूमिंग करें। आपको तो अंदाजा होगा तो सीख, आपको फ्लफ को जो है वो जब ब्रशिंग करनी होती है रेगुलरली करनी पड़ती है, टैंगल्स नहीं बनने दें। और एक चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म से मुझे बताना चाहूँगी सबको, कि अगर इनके स्कैट्स को टैंगल्स हो गए, मैट्स हो गए, जिसमें कहते हैं ना बाल इकट्ठे हो जाते हैं, जब इकट्ठा सा बन जाता है, तो प्लीज़ खुद से मत काटें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि लोग सीजर से बैठ के में काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और वो अल्टीमेटली सारा ब्लीडिंग हो रही होती है और इमरजेंसीज आ रही होती हैं, और वो हमें स्टिचेस करने पड़ रहे होते हैं इमरजेंसीज के अंदर। तो काइंडली अपने पेट को अच्छे ग्रूमर के पास लेके जाएं, उसकी डिटैंगलिंग करवाएं प्रॉपर तरीके से, उसको प्रॉपर बेदिंग करवाएं, और फिर उसे दोबारा में जो नेल्स जो बेसिकली काटते हैं वो सिर्फ कहा जाता है कि आप फ्रंट वाले नेल्स सिर्फ काट देते हैं और जो बैक वाले उनको रहने देते हैं। बिल्कुल, वो भी इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैट्स जो है ना वो क्लाइंबिंग कर रही होती है, ठीक है, तो आप जब फ्रंट नेल्स काट देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो ग्रिप है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, पिछली से छोड़े जाते हैं कि इनके से अगर वो कहीं चढ़ भी गए हैं तो अपने आप को सेफ्टी मेजर्स में रख सकें। तो बेसिकली उनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी आम तासुर है कि बिल्ली पानी से भागती है, जी बिल्कुल, तो नहलाने का क्या तरीका है सर? मैंने तो बड़े गुर सीखे में खुद से, लेकिन मैं हाँ बिल्कुल देखिए हर कैट अपने तौर पे जो है वो हैंडल की जा सकती है। अगेन बहुत सारी बिल्लियाँ, जरूरी नहीं है कि वो उससे डरे पानी से, लेकिन अगेन आप कोई बाथ टब में कोई नीचे मैट बिछा के जहाँ पे वो अच्छी तरह से ग्रिप कर सकें, उसके अंदर बिल्ली को रख के उसको वेट करके शैम्पू, कैट शैम्पू यूज़ करके और उसे फ्लश ऑफ कर दें पानी से, एक्सेसिव पानी से, ठीक है, और बहुत ज्यादा रगड़े नहीं उसे, टाइम बहुत ज्यादा बेशक मत दें, जस्ट इट्स अ क्विक प्रोसेस, पानी से दोस्ती उसकी करवाएं, दोस्ती करवाएं, बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, है ना? बिल्ली पालना आसान काम नहीं है, बिल्ली पालना आसान काम नहीं है। अच्छा जी, ये देखें ना जी, ये फ्लफ है और ये पेपर है, हाय हाय हाय, आज तो हमारे सेट पे ये, अच्छा ये पेपर क्या है जी? कैट लिटर, कैट लिटर। ओ, बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला। सबसे बड़ा मसला इसमें मैनेजमेंट का गेन होता है, जो लोग इसको रोजाना की तो डेली बेसिस पे सफाई नहीं करते तो फिर हो जाता है कि जी कैट ने यूरिन जो है वो कहीं बाहर कर दिया है, स्टूल बाहर कर दिया है, घर गंदा होना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइजीन कम्प्रोमाइज हो जाएगी उसके अंदर। तो अच्छा कैट मटेरियल यूज़ करें अपनी कैट की नेचर के मुताबिक, उसको डेली बेसिस पे साफ किया करें, अगेन डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कैट, कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहा है वो लिटर को, उसको मटेरियल को चेंज करें 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, ठीक है, और उसको हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखें, ड्राई जगह पर रखें। बिल्कुल। अच्छा जी, बड़ा मज़े का सेगमेंट था, बड़ी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और वो कंट्रोल रूम कह रहा है कि भाई वो फ्लफ के तो
फ्लफ तो काफी हो गया है स्क्रीन पे नजर आया है, खामोश बैठे चुप करके। वो पेपर पेपर नहीं नजर आई, तो जरा सबीन पेपर का चेहरा उधर करें ना, कह रहे हैं पेपर सही तरीके से वो नजर नहीं आई, वो बेसिकली अभी डर के ना ऐसे छुप के अंदर बैठी हुई है पेपर। ये ले जी, हम दिखाते हैं जी पेपर। ओ पेपर कितनी प्यारी है, इधर देखो पेपर। ऑलराइट, ये पेपर है जी, और ये है फ्लफ। फ्लफ तो जी ये देखें ऐसे, क्या बात है, ऐसे प्रिंस की तरह, एक शहजादे की तरह इनका। अच्छा कैटिट्यूड भी होता है, बहुत है ना, कि बिल्ली कहती है कि भाई तुम मेरी रियाया हो, मैंने तुम्हें पाला हुआ है, ये घर मेरा, यू आर माय पेट, यू आर माय पेट। जो कहते हैं कुत्ते को आप रखते हैं और बिल्ली आपको रखती है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। डॉक्टर माहिन थैंक यू वेरी मच, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। और ऑन अ सीरियस नोट, हम चाहेंगे कि डॉक्टर माहिन राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स की रौनक बढ़ाती रहें, और हम गाहे गाहे आपको डिफरेंट जानवरों को कैसे रखना है, खासतौर पे जो हमारा लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं, उनको हम वीकली बेसिस पे डिफरेंट ऑल्टरनेट वीक्स पे इस सेगमेंट में टच करते रहेंगे और आपको टिप्स देते रहेंगे। ब्रेक लें जी। बिल्कुल जी, ब्रेक पे जाते हैं, आप ब्रेक पे जाएं, हम जरा अपनी बिल्लियों से खेलते हैं। ये तो सो गए पेपर सो गई है और फ्लफ बिल्कुल सोने वाला है, उसको तो सकून, उसको तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बस अब मैं घर में बैठा हूँ और बस तौसीक के साथ अब मैं कोई फिल्म देखने लगा हूँ। देखे एक्चुअली ही स्लीपिंग। चलो भाई उठो, तुम लोग घर जाओ और हम आगे शो को आगे चलाएं। तो हम जनाब अब ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो SSP ट्रैफिक इस्लामाबाद उमर खान हमारे साथ होंगे, और ग्रोइंग सिटीज, ग्रोइंग प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट लेवल पे क्या कुछ होने जा रहा है, और जो मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज में बताया था, उड़ती उड़ती खबर पता लगी है कि अब 300-400 के अंदर शनाख्ती कार्ड वापस नहीं आएगा, पॉइंट सिस्टम आने लगा है पाकिस्तान में भी। तो जरा तैयारी पकड़ लें, जो यूम यूम करके गाड़ियां चलाते हैं ना, अब ये चलेंगे नहीं, इस तरफ सीधा हो सकता है अब, है ना, एक लेन में गाड़ी चलानी पड़ेगी। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान, बाय बाय।